आज माजी कुछ अलग ही बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या बना रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, तो चलिए पूछते हैं उनसे। माजी क्या बनाओ? टिंडे बनाओ। टिंडे इस कोकनों को कर टिंडे बनेगा। ये बर्तन है दे, फिर ये तेज में छोटे मतलब टिंडे के पकोड़े। तीन पकोड़े नहीं, तीन ये ऐसे छोटे जाएंगे नहीं, सब्जी बन जाएगी। गाइस जब आपने भी किसी सब्जी ना खाई हो तो इस चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। जो भाई आपने आपने खा रखी हो तो लाइक करके बता दियो और कमेंट भी करके बता दियो कि आपने यह सब्जी खा रखी है कि नहीं। यो क्या का गोल है? इसमें मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी। एक दो तीन चार पांच बना रखे हैं गाइस माजी ने। ओ टिंडे ये इसमें डाल के फिर साइड में से इस टाइप से कर देंगे। तैयार हो गया एक और। माँ जी मैं भी करके देखूंगा। कई जी इतने सारे इतने से मसाले में आ जाएंगे और कितने इसमें बना दिए देखो। ये तुमने देखो ढंग से बना के देखियो, जो तुमने नहीं खाए हो तो यही से मैंने मैंने भी कन खाए। पहली बार तो गाइस जब तक माँ जी ये बनाते हैं, मतलब ये जो ये सारे टिंडे भर के रखते हैं, तब तक के लिए बाय। A few moments later. गाइस आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर मसाला डल चुका है। इसमें हमने रिफाइंड डाला है, सरसों का तेल डाला है। तो हम इन्हें एक एक कर इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये टिंडे थोड़ी सी देर में पड़ते हैं इतनी जल्दी। बीच में दर्जे का दे गाइस सारे डंगे इसमें कितने सारे हैं। इन्हें बनने में कुछ देर लगेगी तो मैं आपको बनने के बाद दिखाऊंगी इनकी शक्ल। मुझे भी नहीं पता कैसे होते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय। A few moments later. ये बन चुके हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको।
अब इसे एक बर्तन में निकाल के रख देंगे। गाइस इन्हें 2 मिनट पकने तक की और ज़रूरत है, तो बस अभी इन्हें डो बन चुके हैं सारे। गाइस ये बन गए, देखिए ये वाला मैं ही खाऊंगा। भाई गुनगुन बता दो कैसे लगे। गाइस ये बन चुके हैं, अभी इसे एक बर्तन में डाल रहे हैं, इतने हमेशा रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इसकी शक्ल और ये है इसकी शक्ल। चलो देखो। तो फ्रेंड्स ये है इसकी शक्ल और ये है इसकी शक्ल। चलो देखो बस देखो, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इसे। चलो ठंडी रोटी खा रही हूँ क्योंकि है ना गर्म रोटी अभी मम्मी ने बनाई नहीं है, तो चलिए खाते हैं। और आपको भी बताते हैं कि ये कैसे बने हैं। बहुत टेस्टी बने गाइस। मन्नत गाइस आपके ये चाहते हैं कि आप एक पूरा पीस खा के दिखाओ वैसे ही बिना रोटी के लगाए, है ना गाइस? सब भी खा के दिखाओ। टुकड़ों में करके खाएंगे एक पूरा पीस। कोई नहीं गाइस देखो इसको ये पसंद नहीं है, ऐसी झूठी तारीफ करने लग रही है। एक पीस अगर खाना होता तो एक खा लेती ऐसे। गाइस देखो मैंने इसको बोला ये जो ये साइड में ये जो पूरा पीस है ना ये खा के दिखाइए ठंडा करके पूरा ऐसा का ऐसा ही बिना पार्ट्स में करे। ये मान ही नहीं, खा के दिखा। आपके फ्रेंड्स आप ले जाते हैं आप लाइव चल रहे हैं। बिना पार्ट्स करे मन्नत ये देख रहे हो आप कैसे ये चीटिंग करने लग रही है। मैं इसे तो उतार लूँ करना बेर। गाइस आपको पता ही है कि मैं इतनी मिर्च नहीं खाती। और कोई पानी वगैरह नहीं पीना, कोई रोटी नहीं खानी जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। फ्रेंड्स देखो अब ये कैसे करने लग रही है, ये पूरा एक बार में खाना फ्रेंड्स ये भूल गई लगता है। गर्म है, मैं फूंक मार देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये ठंडा हो चुका है अभी। अगर आज जल रहा है, अगर अब इसको खाने खाना होता ना खाना होता तो ये बहाने बगैर मारे ये खा लेती, पर इसको ये ऐसे लग रहा है कि ये गर्म है, ये बहाने मार रही है। देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हाँ बिना रोटी खाए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रोटी ले रही है। खाए खाए मुँह चबाए, कुछ रिएक्शन नहीं आया आपका, अच्छा है या गंदा? ये रिएक्शन नहीं है, वो पहले वाला रिएक्शन जो आपने करा था।
ये आप ऐसे ऐसा मुंह क्यों बनाने लग रहे हो? अब कच्चा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा है। आप फिर झूठी तारीफ कर रहे थे, इसका मतलब? कौन सी? वो ऐसे करके। हाँ तो अच्छा बनाया है। हाँ, एक पीस मुंह में लेके बताना था आपका, ये अच्छा बना है। खाना खाते समय बोलते नहीं। खाना तुम खा रही हो, मैं कहाँ पे खा रहा हूँ? फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना थोड़ा थोड़ा खा रही है इसको। इसका मतलब ये है कि इसको अच्छा नहीं लग रहा है ये। अगर अच्छा लगा होता तो इतनी देर में सारा ख़त्म हो जाता। फ्रेंड्स देखिए अब ये कैसा मुंह बना रही थी। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना थोड़ा लगा है इसने। रोटी की बुड़की तो देख रहे हैं क्या डक्सी है। तो खाइए खाइए। मन्नत अभी ये नाट रही है, सर हम ऐसे बोल रही है मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं खा रही इसको। ये बात नहीं है। तो खा के दिखाओ। अभी है ना कई सारे अमरूद खाए थे गाइस, पिछली वीडियो देखी हो तो देख लेना। हम मेरी मम्मी है ना गई हुई थी गाँव में और वहाँ से अमरूद लाए थे, बहुत सारे अमरूद खा लिए मैंने, इसलिए अभी इतनी जगह नहीं है मेरे पेट में।